हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आईसीएससी बोर्ड द्वारा किए गए अपने पाठ्यक्रम के कटौती के बारे में बताएंगे कोरोना वायरस महामारी के कारण आईसीएससी बोर्ड सीआईएससी ने अपने सिलेबस में अपने पाठ्यक्रम में 35 परसेंट से ज़्यादा की कटौती की है और अब आसानी से उसको वीडियो ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास स्टडी मटेरियल जो प्रोवाइड किया जा रहा है उससे भी अच्छा रिजल्ट पाया जा सकता है हम इस वीडियो में बताएंगे किस चैप्टर से कितना कटौती की गई है कितना हटाया गया है और क्या पढ़ना है उसको हम बताने जा रहे हैं हम क्लास टेन के बारे में पहले बताएंगे क्लास टेन केमिस्ट्री केमिस्ट्री में पहला टॉपिक है पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज एंड देयर वेरिएशन तो पहला पॉइंट है पीरियाडिक प्रॉपर्टीज एंड इट्स ट्रेंड इन ग्रुप्स एंड पीरियड जैसे एटॉमिक साइज मेटेलिक कैरेक्टर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आयोनाइजेशन एंथेलपी आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथेलपी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो है छह पीरियाडिक प्रॉपर्टी इसका डेफिनेशन इसका ट्रेंड इसको तैयार करना है ये सिलेबस में है और इसी चैप्टर का एक और पार्ट है स्टडी ऑफ मॉडर्न पीरियाडिक टेबल अप टू पीरियड थ्री यानी थर्ड पीरियड तक केवल पढ़ना है थर्ड पीरियड के बाद जो पीरियड और ग्रुप हैं उस एलिमेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा और पीरियाडिसिटी एंड अदर रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो दिया हुआ है सिलेबस में ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड सेल्स नॉट ऑर्बिटल केवल सेल के लेवल तक ऑर्बिटल नहीं आएगा तैयार करना है ये स्कोप में है और ज़्यादा ध्यान देना है मेन जो ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट यानी मेटल और सेवनटीन्थ ग्रुप एलिमेंट यानी हाइलोजेंस का रेफरेंस ज़्यादा रहेगा इस पर ध्यान देना है उसी के रेफरेंस में तैयार करना है दूसरा पॉइंट जो हम बताएंगे कि अगर इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर में कहीं कोई कटौती नहीं है चैप्टर छोटा है इसमें बहुत कुछ नहीं है इतना ही तैयार करना है सेकंड चैप्टर सेकंड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में भी कोई कटौती नहीं की गई है लेकिन हम बताएंगे इंपॉर्टेंट क्या है बॉन्ड पढ़ना है इसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोवाइलेंसी ये केवल डेफिनेशन और इसके बारे में जानिए दूसरा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड इन तीनों का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूरा प्रैक्टिस करके रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोवायलेंसी इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड में तीसरा पॉइंट याद जो करना है जो स्कोप ऑफ सिलेबस में है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवाइलेंट कंपाउंड्स स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस यानी ये सॉलिड स्टेट में है या ब्रिटल है क्रिस्टलाइन है क्यों है इसको पढ़ना है एक स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिसोसिएशन वन डिजॉल्व इन वाटर और इसकी कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटी ये इसको तैयार करना है ये इंपॉर्टेंट है सिलेबस में भी है ठीक इसी तरह से कोवाइलेंट बॉन्ड और कोवाइलेंसी के बारे में जानिए इस सिलेबस में है और स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवैलेंट मालिक्यूल्स जैसे हाइड्रोजन है नाइट्रोजन ये सिलेबस में है इसको प्रैक्टिस कीजिए हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड अमोनिया इसका प्रैक्टिस कीजिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद पोलर कोवाइलेंट मालिक्यूल जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है वाटर है अमोनिया भी पोलर कोवायलेंट है इसको पोलर कोवाइलेंट मालिक्यूल है क्या पोलर कोवाइलेंट बॉन्ड है क्या इसको समझ लेना है अच्छा से और इस तीन मालिक्यूल वाटर अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करना है और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवाइलेंट कंपाउंड्स पहला जैसे स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस किस ऑर्डिनरी टेम्परेचर कंडीशन में किस स्टेट फिजिकल स्टेट में पाया जाता है सॉलिड है कि लिक्विड है ये सब पढ़ना है और दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आयोनाइजेशन व्हेन डिजॉल्वस इन प्रेजेंट इन सोल्यूशन डिजॉल्व इन वाटर इसकी भी इलेक्ट्रिकल और हीट कंडक्टिविटी ये सब प्रॉपर्टी कोवैलेंट कंपाउंड्स का पढ़ना है इसके बाद कंपेरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोवायलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच में कंपेरिजन तुलनात्मक अध्ययन करना है कि इलेक्ट्रोवाइलेंट कंपाउंड कोवायलेंट कंपाउंड दोनों में क्या सिमिलरिटी है क्या समानता है क्या असमानता है ये कंपैरिजन इसका दोनों का पढ़ लेना है कौन किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका कम है बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है इस तरह से इनका कंपैरिजन करके पढ़ लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेबस में भी है और लास्ट में एक पॉइंट है कोआर्डिनेट बॉन्डिंग कोआर्डिनेट बॉन्डिंग में डेफिनेशन जानिए क्या है कोआर्डिनेट बॉन्ड और लोन पेयर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर मालिक्यूल एंड नाइट्रोजन इन अमोनिया मालिक्यूल इसको भी पूरा प्रैक्टिस कर लेना है ये इसका इलेक्ट्रॉन डार्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इसका लोन पेयर इफेक्ट इसको अच्छा से पढ़ लेना है केमिकल बॉन्डिंग में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है चैप्टर भी छोटा है आसानी से इसमें अच्छा मार्क्स उठाया जा सकता है और केवल तीन इलेक्ट्रोवाइलेंट का अच्छा से इलेक्ट्रॉन डार्ट स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कीजिए और कोवायलेंट में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन क्लोरीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और को पोलर कोवैलेंट में वाटर अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड प्रैक्टिस कीजिए तो इसमें जो है आसानी से इसको किया जा सकता है और इसमें ज़्यादा कोई ऐसा परिवर्तन नहीं किया गया है और स्ट्रक्चर बनाते समय इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है नेक्स्ट पॉइंट जो हम बताएंगे अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर भी प्रैक्टिस कीजिए दूसरा पॉइंट क्योंकि अमोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है हाइड्रोनियम आयन में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको प्रैक्टिस करना है इस चैप्टर में कोई चेंज नहीं है अब हम तीसरा चैप्टर बताएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट एसिड बेस सॉल्ट में कटौती की गई है इसके पाठ्यक्रम को घटाया गया है बड़ा चैप्टर था इसमें घटा दिया गया है जैसे हम पहले बताएंगे क्या पढ़ना है फिर बताएंगे क्या हटा दिया गया पढ़ना क्या है जैसे डेफिनेशन पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इस सब का प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है एसिड बेस सॉल्ट की प्रॉपर्टी भी जानना है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज दूसरा पॉइंट आयनस प्रेजेंट इन एसिड बेस एंड सॉल्ट एंड सोल्यूशन इसमें कौन से आयन प्रेजेंट हैं वन प्योर स्टेट और जब डिजॉल्व होते हैं सोल्यूशन फॉर्म में है तो क्या कौन कौन आयन्स प्रेजेंट हैं इसके बारे में जानकारी रखना है और हम अब इसको बताते हैं फर्स्ट कि इसका ये ये जानकारी लेना है एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ इक्वेसन ऑफ़ डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट एग्जाम्पल इक्वेशन के साथ ये पढ़ना है तीनों का प्रैक्टिस कर लेना है डिसोसिएशन का दूसरा पॉइंट एसिड प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन या एच प्लस आयन एज द पॉजिटिव व्हिच विच ब्लू लिटमस रेड एंड बेस अल्कली प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन एज ओनली नेगेटिव आयन विच टर्न्स रेड लिटमस ब्लू इसको भी अच्छा से रेडी कर लेना है और इसके बाद इंट्रोडक्शन टू पी एच स्केल टू टेस्ट फॉर एसिडिटी अल्कलिनिटी और न्यूट्रलिटी ऑफ सोल्यूशन बाई यूजिंग लिटमस एंड पी एच पेपर एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर बाई यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर या पी एच पेपर ध्यान देना है इसको और पी एच स्केल इसकी भी जानकारी रखना है ये सिलेबस में है दूसरा पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट बाई पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन या कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन बाई मेटल आइटम इसको भी तैयार कीजिए और नेक्स्ट है सॉल्ट का डेफिनेशन, थ्री टाइप ऑफ सॉल्ट रेडी कीजिए केवल नॉर्मल सॉल्ट एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट इट इज देयर इन द स्कोप ऑफ ये सिलेबस के स्कोप में है पाठ्यक्रम में है इसको तैयार करना है अब हम लोग देखेंगे कि सॉल्ट का टाइप इस के बाद एक और पढ़ना है एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑन एल्यूमिनियम एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑन एल्युमिनियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में भी है यह भी ध्यान रखिए कि इसको पढ़ना है एसिड बेस सॉल्ट में क्या नहीं पढ़ना है पहला एक्शन ऑफ एसिड ऑन कम सॉल्ट्स लाइक कार्बोनेट बाई कार्बोनेट वो सब नहीं पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बाई डिफरेंट मेथड्स लाइक बाई डायरेक्ट कम्बिनेशन बाई डिकम्पोज डबल डिकम्पोजिशन बाई टाइट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन ये कोई भी मेथड प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट नहीं पढ़ना है एक्शन ऑफ एसिड ऑन कार्बोनेट बाई कार्बोनेट सल्फे सल्फाइड सल्फाइड ये सब नहीं पढ़ना है हम जो बताए हैं उतना ही सिलेबस में उतना ही रेडी करना है उसमें हम दे भी दिए हैं क्या पढ़ना है उसको प्रिंट देख करके पढ़ सकते हैं दूसरा पॉइंट और इसमें ये ध्यान दीजिए एसिड बेस सॉल्ट में घटाया गया है ये जो मैं बताया उस पर ध्यान देना है नेक्स्ट जो याद करना है कि अगर हम लोग अब जाएंगे फोर्थ चैप्टर में जिसका नाम है एनालिटिकल केमिस्ट्री एसिड एसिड-बेस सॉल्ट का ही चैप्टर समझिए लेकिन हम इसको सिलेबस के अनुसार बता रहे हैं पाठ्यक्रम के अनुसार इसमें क्या घटाया गया है इसमें भी थोड़ा कटौती की गई है एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑन सॉल्ट सोल्यूशंस वो पांच साल्ट याद रखिए कैल्शियम लेड आयरन कॉपर एंड जिंक इनके सॉल्ट सोल्यूशन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्शन क्या है उसको स्टडी करना है इक्वेशन के साथ कलर एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स फॉर द सोल्यूशन ऑफ दीज फाइव सॉल्ट्स कैल्शियम लेड आयरन कॉपर एंड जिंक इनके सॉल्ट सोल्यूशन के मेटल रिस्पेक्ट मेटल हाइड्रोक्साइड का कलर और उसका फॉर्मेशन इक्वेशन के साथ पढ़ना है इस आप अमोनियम और सोडियम इसको भी करना है। हम थोड़ा इसका स्कोप अब बताएंगे देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कलर ऑफ सॉल्ट एंड इट्स सोल्यूशन जैसे कॉपर सल्फेट है इसका कलर ब्लू है इसके सोल्यूशन का भी कलर ब्लू है इसी तरह से कलर ऑफ सॉल्ट एंड कलर ऑफ इट सोल्यूशन इसको जानकारी रखिए ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन लिखने के लिए दूसरा पॉइंट जो याद रखना है कि एक्शन ऑन एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू सॉल्ट सोल्यूशन विच सॉल्ट दिस फाइव कैल्शियम लेड आयरन कॉपर एंड जिंक और ये जो है कलर एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेटेड टू बी हाईलाइटेड विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन ये सिलेबस में दिया है इसको रेडी करना है इसी तरह से एक्शन ऑन एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू द सॉल्ट सोल्यूशंस ऑफ कैल्सियम लेड आयरन कॉपर जिंक एंड कलर एंड ड्रॉप बाई ड्रॉप दोनों केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में एडिशन ऑफ दीज रियजेंट टू दॉल्व सोल्यूशन ड्रॉप बाई ड्रॉप इन एक्सेस कलर एंड फार्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेडेड टू बी हाईलाइटेड विद द हेल्प ऑफ इक्वेसन ये रेडी करना है ये ध्यान देना है इसको तैयार करना है और नेक्स्ट पॉइंट जो बताएंगे वो है स्पेशल एक्शन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एन कॉपर सॉल्ट जैसे कॉपर सल्फेट है इस तरह से इसको रेडी करना है इक्वेशन के साथ और स्पेशल एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन अमोनियम साल्ट बार बार बता रहे हैं उसमें भी बताए थे थर्ड चैप्टर में इसको रेडी करना है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑन एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड टू शो द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ दीज सब्सटेंसेस इस बार हटा हटाया क्या गया एक्शन ऑफ दीज कास्टिक अलकली ऑन जिंक एंड लेड ये नहीं पढ़ना है केवल एक्शन ऑफ कास्टिक अलकली ऑन एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तक ही पढ़ना है जिंक और लेड पर उसका क्या एक्शन है क्या रिएक्शन है इस बार उसको हटा दिया गया है अब इस तरह से चैप्टर फोर में मैंने बताया बहुत थोड़ा सा इसमें हटाया गया है चैप्टर भी छोटा है चैप्टर नंबर फाइव मोल कॉन्सेप्ट एक बड़ा चैप्टर था इसमें न्यूमेरिकल थे इसमें बहुत ज़्यादा कटौती हुई है इसके इस चैप्टर में और पढ़ना है बहुत कम पढ़ना क्या है पहला तो यह है कि मालिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी रिलेशनशिप बिटवीन दीज मालिकुलर मास एंड वेपर डेंसिटी मालिकुलर मास इक्वल टू टू इंटू वेपर डेंसिटी इसको याद करके रखिए इसका डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में नहीं आएगा केवल फार्मूला याद रखना है और दूसरा पार्ट है डिडक्शन ऑफ एम्पेरिकल एंड मालिकुलर फार्मूला फ्राम परसेंटेज कम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड एंड फ्राम द मास ऑफ कंबाइनिंग एलिमेंट्स तो ये केवल एलिमेंट जो कंपाउंड में कम्बाइंड है उनके मास से या कंपाउंड के परसेंटेज कंपोजिशन से एम्पेरिकल और मालिकुलर फार्मूला निकालने का प्रैक्टिस करना है उतना ही आएगा बाकी गैस लॉज कोई नहीं आएगा गेलूजैक्सला गेड्रोजलाइसब हटा दिया गया है मोल पर बहुत सारे जो क्वेश्चन पर आएंगे वो सब नहीं आएंगे वो सब हटा दिया गया है अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर सिक्स में चैप्टर नंबर सिक्स है इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोलाइसिस में भी कोई ज़्यादा विशेष कटौती नहीं की गई है इसमें क्या पढ़ना है मैं रिमाइंड करा देता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसका डेफिनेशन इसका एग्जाम्पल याद करना है ये सिलेबस में है इसको रेडी करना है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट व्हाट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट एग्जाम्पल के साथ रेडी कीजिए सेकेंड पॉइंट सब्सटेंसेज दैट सब्सटेंसेज विच कंटेन आयन ओनली आयन ओनली मालिक्यूल एंड सब्सटेंसेज कंटेन बोथ आयंस एंड मालिक्यूल्स इसका एग्जाम्पल रेडी करके रखिए यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट इसको तैयार करके रखिए और दूसरा चीज़ जो याद रखना है उस सिलेबस में जो है डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ़ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोड एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट ये सब चीज़ें जो है तैयार करके रखना है यानी स्ट्रांग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ ये सारी टर्म्स को भी याद करके रखना है एलिमेंट्री स्टडी ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयंस विथ रिफरेंस टू द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस सिलेबस में दिया है सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयस रिफरेंस शुड बी मेड टू मीन टेंडेंसी ऑफ एक्टिविटी सीरीज ऑफ एक्टिविटी सीरीज यानी टेंडेंसी ऑफ मेटल सोडियम मैग्नीशियम आयरन कॉपर इस तरह से टू फॉर्म आयंस और इलेक्ट्रोलाइसिस में जो इक, जो इलस्ट्रेशन देना है उस जो सिलेबस में है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड प्रोमाइड यूजिंग इनर्ट एंड एनोड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसडीफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ये तीनों का ही उसमें एग्जाम्पल लेकर के माइग्रेशन ऑफ आयन रिएक्शन एट एनोड और विच एनोड इज यूज वाटर विच इलेक्ट्रोलाइट इज यूज ये सब उसमें तैयार करना है तीन का लेड ब्रोमाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और एसडीफाइड वाटर का ये इसको इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन और सब कुछ तैयार करना है ये सिलेबस में है इसको जानकारी में रखना बहुत ज़रूरी है पढ़ना ही इंपॉर्टेंट भी है तीन ही है दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में फर्स्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक सिल्वर का प्लेटिंग और एक निकल का प्लेटिंग तैयार कीजिए दो ही तो आप सिलेबस में है और अच्छा से उसमें सिल्वर प्लेटिंग में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे निकल प्लेटिंग में कौन इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे क्यों करेंगे ये इंपॉर्टेंट है ये जरूर आएगा और उसके कैथोड पर क्या रिएक्शन है या नोट पर क्या रिएक्शन है ऑब्जरवेशन ये सब रेडी करना है दूसरा जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अलावा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर तैयार कीजिए एनोड पर क्या रहेगा इमप्योर कॉपर रॉड कैथोड पर क्या रहेगा प्योर कॉपर स्ट्रिप और क्या एनोड कैथोड पर रिएक्शन है इसको तैयार कीजिए इस तरह से इलेक्ट्रोलाइसिस में चेंज नहीं है ये सब तैयार करना है इस चैप्टर में भी कोई चेंज नहीं किया गया है अब चेंज अब नेक्स्ट हम जाएंगे दूसरे चैप्टर में चैप्टर नंबर सेवन मेटलर्जी मेटलर्जी में बहुत बड़ा चैप्टर है इसमें बहुत ज़्यादा कटौती भी की गई है पाठ्यक्रम को बहुत घटा दिया गया है इसमें जो है इस बार जैसे कम एलवाय एंड कंपोजिशन ऑफ एलवायज हटा दिया गया स्टेजेज इन्वॉल्व इन, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इसको हटा दिया गया वो सब कंसनट्रेशन फ्लोथ फ्लोटेशन ग्रेविटी सेपरेशन और बहुत सारे जो स्टेप थे वो सब हटा दिया गया है पढ़ना क्या है इस बार पढ़ना है एकदम कम में वो है फर्स्ट अकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर जैसे मिनरल्स और ओर्स का मीनिंग केवल जानिए तो एक एलिमेंट्री एक आइडिया रखिए व्हाट इज मिनरल व्हाट इज और ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम की जानकारी रखिए एलुमिनियम के क्या ओर हैं और नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ एलुमिनियम में दो पार्ट याद रखिए पहला प्योरीफिकेशन या रिफाइनिंग ऑफ बॉक्साइट बाई केमिकल मेथड बाई लीचिंग यानी बाई बेयर्स प्रोसेस जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है इसको रेडी कीजिए और दूसरा सिलेबस में है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम दिस प्योर बाक्साइड बाई हॉल्स हेरोल्ड्स प्रोसेस इसको याद करना इसका सेल का स्ट्रक्चर इसका डायग्राम इसका एनोड कैथोड एल्यूमिनियम का इसको अच्छा से तैयार करना है इस तरह से ये एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम पर ध्यान देना है बाकी एलवाई एंड इट्स कंपोजिशन या स्टेज इन्वॉल्व इन द मेटलर्जी वो सब नहीं पढ़ना है ये हो गया इस मेटलर्जी चैप्टर का चैप्टर नंबर सेवन चैप्टर नंबर एट देखा जाए चैप्टर नंबर एट में सिलेबस में वैसे ये ए बी सी किया गया है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जो पहले था वही पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड पढ़ना ही है उसमें सब देना है अब डायग्राम है सेटिंग अप ऑफ ऑपरेटर्स रिएक्शन प्रोडक्ट इक्वेशंस प्रिकॉशंस कलेक्शंस आइडेंटिफिकेशन ये सब है ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा जो पहले था उसको पढ़ना है और रिएक्शन इसका प्रॉपर्टीज में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जैसे इसकी डेंसिटी का जो एक्सपेरिमेंट है कि हाइड्रोजो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज़ हैवियर देन एयर उसका एक्सपेरिमेंटल उसको पढ़ लेना है इसकी सॉलिबिलिटी के लिए फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है उसको पढ़ना है और इस रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस विद अमोनिया स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको रिएक्शन रख लीजिए एन एस थ्री प्लस एस सी एल एन एच फोर सी एल ये इसको रेडी करना है और दूसरा बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाई यूजिंग स्पेशल अरेंजमेंट टू अवॉइड बैक एक्सेक्सन फनल अरेंजमेंट इसको रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाई डिजॉल्विंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर यूजिंग स्पेशल अरेंजमेंट डायग्राम सेटिंग सब अच्छा से तैयार करना है और दूसरा इसमें जो तैयारी है दूसरा पार्ट जो सिलेबस में है वो है इसका प्रॉपर्टीज़ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ मेटल मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल कार्बोनेट डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कार्बोनेट बाय दिस एसिड टू तो फॉर्म रिस्पेक्टिव मेटल क्लोराइड ये सब पढ़ना है रिएक्शन विथ मेटल सल्फाइड मेटल सल्फाइड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या रिएक्शन है इसका इक्वेशन प्रोडक्ट ऑब्जर्वेशन इसको रेडी कीजिए और इसके साथ साथ दो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऑफ डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन रिएक्शन ऑफ डायलूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इसको भी तैयार करना इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन ये भी सिलेबस में है इसको तैयार करना है इस तरह से तैयार करने के बाद एक दूसरा पॉइंट आ जाता है चैप्टर नंबर नाइन चैप्टर नंबर नाइन में हम बताएंगे अमोनिया इसमें थोड़ा फिर कटौती की गई है अमोनिया यूजेज ऑफ अमोनिया नहीं आएगा प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय यूजिंग अमोनिया मेटल नाइट्राइड एंड वार्म वाटर ये हटा दिया गया इस बार तो पढ़ना क्या है पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया बाय यूजिंग अमोनियम क्लोराइड एंड बेस अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बनाना जो लेबोरेटरी मेथड है उसको तैयार कीजिए ऑपरेटर्स सेटिंग अप ऑफ ऑपरेटर्स रिएक्टेंड प्रोडक्ट इक्वेशंस कलेक्शन आइडेंटिफिकेशन आप जो सब उसको तैयार कीजिए जैसे था और दूसरा पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय एक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन अमोनियम सॉल्ट इसको तैयार कीजिए ये जो है सिलेबस में है कोई भी अमोनियम सॉल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके अमोनिया गैस देता है इसका रिएक्शन के साथ तैयार करना है और ये इसका वीडियो भी हम अपलोड किए हैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इसको दिया गया है तो अमोनिया चैप्टर का मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय है प्रोसेस इसको भी तैयार करना है इस सिलेबस में है अब चलते हैं प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज में जैसे इसकी अमोनिया की डेंसिटी लाइटर हैवियर इसको तैयार करना है सॉलिबिलिटी ऑफ अमोनिया बाई फाउंटेन एक्सपेरिमेंट इसको तैयार करना है केमिकल प्रॉपर्टीज में बर्निंग ऑफ अमोनिया रेडी कीजिए ये सिलेबस में है कैटलिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया भी सिलेबस में है पढ़िए इसके बाद कुछ और रिएक्शंस जैसे रिएक्शन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्व सोल्यूशन ऑफ अमोनिया विथ ये पढ़ना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और साल्ट भी फेरिक्लोराइड फेरस सल्फेट लेड नाइट्रेट जिंक नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट यानी कॉपर सॉल्ट इसको जो है तैयार करना है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में अमोनिया के और इक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया में इसको तैयार करना है तो ये इस तरह से अमोनिया के चैप्टर में जिसे यूजेज ऑफ अमोनिया नहीं पढ़ना है मैं बता दिया फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम मेटल नाइट्राइड एंड वाटर ये सब नहीं आएगा अब दूसरा पॉइंट हम देंगे जैसे नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे नाइट्रिक एसिड चैप्टर नंबर ये हम लोग पहले देख लिए हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके बाद मैंने बताया अमोनिया अब हम बताएंगे नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड जैसे टेंथ चैप्टर अब इस चैप्टर में वैसे कोई परिवर्तन नहीं किया गया है पाठ्यक्रम में इस चैप्टर में कोई कटौती नहीं की गई है अमोनियम थोड़ा कुछ हुआ है लेकिन इसमें कोई कटौती नहीं है नाइट्रिक एसिड उसी तरह प्रिपेरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन लेबोरेट्री फ्रॉम सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड उसको पढ़ना है इक्वेशन रिएक्टेंट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इक्वेश्स डाइग्राम सेटिंग अप ऑफ ऑपरेटर्स ये सब पढ़ना है कलेक्शन प्रिकॉशन सब जैसे था लेव मेथड वो सब पढ़ना है और दूसरा पॉइंट जो है इसमें इसका मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओसवाल प्रोसेस ये जो है इसको भी तैयार करना है इसको पढ़ना है और दूसरा पॉइंट इसकी प्रॉपर्टीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है इसकी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड इट्स रिएक्शन विथ कार्बन सल्फर एंड कॉपर ये तीन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे छोटा चैप्टर इसमें से आसानी से मार्क्स उठाया जा सकता है आसानी से तैयार कर सकते हैं इसको पढ़िए इसमें तीन ही तो रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसको याद कर लेना है अब हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर इलेवन जो कि ये नाइट्रिक एसिड के बाद है सल्फ्यूरिक एसिड ये भी बहुत कम है इसमें कटौती की गई है कांटेक्ट मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस हटा दिया गया है पढ़ना है केवल दो पॉइंट पहला तो ये कि इट्स बिहेवियर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज बिहेव एज एन एसिड इसमें पढ़ना है इट्स रिएक्शन विथ मेटल मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट बाई कार्बोनेट सल्फाइड बाई सल्फ़ाइड एंड मेटल सल्फाइड ये रिएक्शन रेडी करना है मैं वहाँ दे भी दिया हूँ इस रिएक्शन को प्रैक्टिस कीजिए ये प्रूव करते हैं इसके बिहेवियर को और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज जे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एसिड दिस इज हैविंग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है तो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को लेकर के इसको पढ़ना है इट्स रिएक्शन विथ कार्बन एंड सल्फर इक्वेशन बढ़िया से बैलेंस करना कार्बन से सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन सल्फर से इसका रिएक्शन रेडी कर लेना है और इसकी डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी को पढ़ना है इसका रिएक्शन केवल दो कंपाउंड से रिएक्शन विथ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट यानी सी यू एस ओ फोर पॉइंट फाइव एस टू और इसका रिएक्शन शुगर से यानी सी ट्वेल्व एस ट्वेंटी टू ओ इलेवन से इसका डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी के लिए जो रिएक्शन दिखाएंगे दोनों कंपाउंड से उसको पढ़ना है सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नॉन वोलाटाइल प्रॉपर्टी के लिए कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड के साथ और सोडियम नाइट्रेट के साथ रेडी रखिए और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट के साथ भी इक्वेशन के साथ रेडी रखिए बैलेंस करना इस सब पूरा अभ्यास कीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड में भी इतना ही पढ़ना है अब हम चलेंगे लास्ट चैप्टर नंबर ट्वेल्व है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भारी कटौती है पाठ्यक्रम में बहुत कम पढ़ना है पहला तो है कि इसका इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सिलेबस में दिया है छोटा थोड़ा सा है फर्स्ट उसमें पढ़ना है यूनिक नेचर यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन जैसे टेट्रा वायलेंसी और कैटेनेशन, और दूसरा इसका पढ़ना है इसी इंट्रोडक्शन में दूसरा पार्ट है ये फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बांट डबल बांट ट्रिपल बांट स्टेट चेन ब्रांच चेन, साइक्लिक में केवल बेंजीन का प्रैक्टिस कीजिए चलिए सेकेंड पार्ट में चले सेकेंड पार्ट में इसमें हम लोग देखेंगे कि आइसोमेरिज्म इसका आइसोमेरिज्म वाला स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज में जो सिलेबस में दिया है तो स्ट्रक्चर एंड आइसोमेरिज में पहले स्ट्रक्चर बताते हैं जैसे स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स विद सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स उसको प्रैक्टिस करना है एल्किन सब है और दूसरा पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जैसे एल्केन एल्किन एल्काइन के जो एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोकार्बन अप टू फाइव कार्बन एटम जैसे एल्केन है तो पेंटेन तक प्रैक्टिस कीजिए एल्कीन है, है तो इस तरह पेंटीन एल्काइन है तो पेंटाइन इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और इस सब ये किस में दिया है? स्ट्रक्चर और आइसोमेरिज में अब आइसोमेरिज बताएंगे अब इसमें देखिए आइसोमेरिज में केवल दो आइसोमेरिज पढ़ना है वो है पहला तो ये है पोजिशन आइसोमेरिज और दूसरा है चेन आइसोमेरिज इसको प्रैक्टिस करना है इसका एग्जाम्पल और डेफिनेशन प्रैक्टिस कीजिए थर्ड पार्ट में चलें इसका होमोलोगस सीरीज होमोलोगस सीरीज में इसका डेफिनेशन और इसका विथ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और इसका एग्जाम्पल्स रेडी करना है जैसे एल्केन होमोलोगस सीरीज एल्कीन होमोलोगस सीरीज अल्काइन होमोलोगस सीरीज होमोलोगस सीरीज इस सब पर पढ़ना है रिलेशनशिप विथ मालिकुलर फार्मूला एंड मालिकुलर मास ये होमोलोगस सीरीज का भी पार्ट तैयार करना है इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है आएगा अब दूसरा पार्ट फोर्थ देखें सिंपल नॉमिनक्लेचर सिंपल नामिन में ये सिंपल नॉमिनक्लेचर ऑफ एल्केन विद सिंपल फंक्शनल ग्रुप जैसे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप कार्बाक्सलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप ये रेडी रखिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एल्कोहल एल्डिहाइड, डी हाइड पांच में से रहेंगे सिलेबस में है और यूज कीजिए उसमें लॉन्गेस्ट चेन रूल एंड लोवेस्ट नंबर रूल स्मॉलेस्ट नंबर रूल इसको बताया गया है वीडियो में हम डाल दिए हैं बस इसी मेथड से नेमिंग आई और ट्राइवियल सिस्टम की नेमिंग कंपाउंड कंटेनिंग ओनली वन फंक्शनल ग्रुप प्रैक्टिस कीजिए एक फंक्शनल ग्रुप ही रहेगा कंपाउंड में उसको प्रैक्टिस कीजिए और इसका ट्राइवियल और आई यू पी एस सी नेम सिंपल कंपाउंड का पढ़ना है अब दूसरा पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं वो है डिटेल में एलकैंस एल्केन्स में केवल मीथेन और इथेन एज एन एग्जाम्पल ऑफ एल्केन दिया है सिलेबस में इन दोनों के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर जानकारी रखिए कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्केन का एग्जाम्पल है इसको रखिए और इसकी प्रिपरेशन ये इस सब हटा दिया गया है पाठ्यक्रम से केवल पढ़ना है दो इसका केमिकल प्रॉपर्टी एक कम्प्लीट कम्बस्चन एयर और दूसरा पढ़ना है कि रिएक्शन ऑफ दीज एल्केन्स विथ हाइलोजन्स विथ क्लोरीन हाइलोजन सब नहीं विथ क्लोरीन थ्रू सब्सटीच्यूशन रिएक्शन इसको रेडी कीजिए इसी तरह एल्कीन में एथिन एज एग्जाम्पल ऑफ एल्कीन उसका स्ट्रक्चर एल्कीन का सी टू एच फोर इसको अच्छा से जानिए देख लीजिए एग्जाम्पल है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वीडियो में दिए हैं रेडी कीजिए इंपॉर्टेंट है बस प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है तब क्या करना है केवल दो केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट तो ये है कि इसका एडिशन रिएक्शन बने इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ और दूसरा पढ़ना है कि इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ केवल क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का एथीन के साथ कैसा रिएक्शन है ये रिएक्शन इक्वेशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए एल्काइंस में एसिटलिन एज एग्जाम्पल ऑफ एल्काइन ट्रिपल कोवाइलेंट बॉन्ड वाला फर्स्ट मेंबर है इसको प्रैक्टिस कीजिए स्ट्रक्चर बनाइए एसेटलिन को इथाइन भी बोलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आएगा और आ सकता है इसके बाद आप ये भी जान लीजिए कि इस पाठ्यक्रम में प्रिपरेशन नहीं पढ़िए केवल इसको दो प्रॉपर्टी तैयार कीजिए रिएक्शन ऑफ इथाइन या एसेटलिन विथ हाइड्रोजन रिएक्शन ऑफ अल्काइन भी कर सकते हैं विथ हाइड्रोजन और दूसरा है रिएक्शन ऑफ अल्काइन विथ हाइलोजन जैसे क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन के साथ अल्काइन का कैसा रिएक्शन है रेडी कीजिए बाकी ये सब एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब पहले ही हटा दिया गया था और इस बार भी जो हटाया गया मैं ब्रीफ में बता दिया हूँ क्या क्या हटा दिया गया दैट इज़ अबाउट योर सिलेबस ये पूरा पाठ्यक्रम के बारे में हुआ क्या हटाया गया क्या पढ़ना है क्या इम्पोर्टेंट है फिर वीडियो को देखिए मैं अपलोड किया हूँ तो डेफिनेटली हंड्रेड परसेंट मार्क उठाया जा सकता है थैंक यू